1962 में आई फिल्म 20 साल बाद में लता मंगेशकर की मखमली आवाज में एक गाने ने खूब धूम मचाया था, जिसके बोल थे कहीं दीप जले कहीं दिल। और आज इसी गाने के बोल की तरह झारखंड पुलिस के जवान भी यही कह रहे हैं कि कहीं दीप जले कहीं दिल। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 तारीख को हम सभी अपने परिवार के साथ रोशनी का त्योहार दिवाली मनाएंगे। मिठाइयाँ, पटाखे और दोस्तों की महफिल। हम सब चैन से सुरक्षित रहते हुए ये त्योहार इसलिए मना पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उन्हीं में से कुछ हैं अग्निशमन और होमगार्ड के जवान, जो परिवार से दूर रहते हुए त्योहार तो मनाएंगे ही, साथ ही शायद इनके घरों पर न दिए जले, न मिठाई बने और न ही इनके बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, क्योंकि ये शिकार हुए हैं सरकारी उदासीनता के। न तो डिपार्टमेंट में कोई डीजी है, न कोई डीआईजी और न ही कोई एसपी, जिस वजह से इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है और इनके त्योहार बेरंग ही गुजर रहे हैं। देखिए, वेतन तो हम लोगों को बराबर मिलते आया है, दशहरा भी बढ़िया से कट गया, लेकिन अभी जो दीपावली या छठ है इसमें डीटीओ के कारण वेतन रुक सकता है। यदि एक दो दिन में कोई डीटीओ आ गया तो वेतन निकल सकता है, नहीं तो खाली जाएगा दीपावली। काहे कि डीजी नहीं है, डीआईजी नहीं है, डीआईजी डीटीओ होते हैं, ये नहीं है। अभी सरकार की तरफ से किसी का नामित नहीं किया गया है, आने के बाद कुछ होगा नहीं तो वेतन अभी नहीं मिलेगा। वेतन का स्थिति बद से बदतर है। जो हमारा एक होमगार्ड विभाग है, जिस विभाग के कोई भी बड़े अधिकारी नहीं है, जैसे ना डीजी है, ना डीआईजी है, ना कमांडेंट है, जिसके कारण आवंटन नहीं जा रहा है, सारा पैसा रुका हुआ है। होमगार्ड जवानों को भुगतान तक होना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई अधिकारी है ही नहीं, कोई डीडीओ अधिकारी है नहीं, तो इसलिए। और अभी दिवाली नज़दीक है, छठ पूजा नज़दीक है, जो हम सभी लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है, और उस त्यौहार को हमारा लग रहा है कि एकदम बेकार जाएगा, बद से बदतर दिवाली हो जाएगा। दिवाली क्या होगा, दिवाली से बेकार चला जाएगा, कोई दिवाली कोई काम का नहीं रह जाएगा। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों ही विभागों को मुखिया जल्द मिल जाएंगे और उनके मोहर से जवानों को मेहनताना भी मिल जाएगा। उम्मीद कीजिए, कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही की है। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।